गुप्ता, पीएजी रजौरी, असीम मुगल, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली और एसएसपी महीने में जम्मू प्रोविंस की पुलिस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि जो भी टेरर नेटवर्क अवेलेबल है जम्मू प्रोविंस में या टेरर नेटवर्क जो पनपने की लश्कर का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ, इसके अलावा सुंदुआ में जैश मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान विदाई हमले का प्लान था वो उसको बस्ट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तीन और मुख्तलिफ टेरर मॉड्यूल्स जिसको बस्ट किया गया है उसके सिलसिले में, दो इनमें से रजौरी में बस्ट हुए हैं और एक जम्मू में बस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जम्मू के मॉड्यूल की बात बता दूं, वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसके साथ इलाकों में बनाया गया जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तलाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन डेढ़ से दो साल से और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था और तब से पिछले दो साल से फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इसके साथ चार पांच लड़कों का और मॉड्यूल है जिसमें दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये सभी सांबा और कठुआ के इलाके में वहां के लोकल रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम हबीब है और एक का नाम मियां सोहेल। इन दोनों को भी फैसल मुनीर वाले केस में गिरफ्तार किया गया। इसकी पहली गिरफ्तारी पड़ी है आज से करीब एक डेढ़ महीने पहले कठुआ में, जो एक ड्रोन गिराया गया था उस पे जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल में रिसीव कर रहा था। इनकी शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि पिछले उसको कश्मीर भेज दिया है, उसको अपने पास रखा चल रहा था। तकरीबन 10 से 12 ड्रोन सॉर्टीज का सामान हमें मिल चुका है अभी तक, अगर हम श्रीनगर और जम्मू की सभी की रिकवरीज की बात कर ले तो। इसके अलावा ड्रोन के जरिए इनको फाइनेंसेस भी, पैसे भी गिराए जाते थे जो कि हथियार के साथ गिराए जाते थे जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, कुछ यूज होता था इस सारी प्रक्रिया में, वो भी सीज कर लिया गया। ये रही जम्मू वाले मॉड्यूल की बात। अब हम चलते हैं रजौरी वाले मॉड्यूल की बात करने, जिसमें कि फिर से वो कासिम नाम का जो आतंकवादी है, जो मोहर का रहने वाला है और जिसने ये मॉड्यूल वहां पे दो तीन मॉड्यूल चलाए थे जो कि जिसने कि तालिब हुसैन को जो आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया था। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि दो मॉड्यूल्स कासिम के दो अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मॉड्यूल चल रहे थे, एक में तालिब हुसैन एक्टिव था और एक में अल्ताफ हुसैन एक्टिव था। दोनों दराज के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्ताफ हुसैन पिछले साल एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी रजौरी शहर के बाहर जिसमें बीजेपी के जसबीर सिंह के घर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी, उसमें ये मुलव्वज़ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक तालिब हुसैन का सवाल है, इसकी पूछताछ में यह पता चला कि 5 ड्रोन सॉर्टीज इन्होंने रिसीव किए पिछले तकरीबन एक साल में और इनमें जो अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, 4 AK-47 आए थे राइफल्स जिसमें से 3 को बरामद कर लिया गया है, एक को हम ढूंढ रहे हैं। 8 UBGL ग्रेनेड्स गिराए गए थे, सबको बरामद कर लिया गया है। 8 चाइनीज ग्रेनेड थे जिसमें से 7 बरामद कर लिया गया है। 4 प्रेशर माइंस थे, चारों बरामद कर लिए गए। 6 पिस्टल्स थे, 6 के 6 रिकवर कर लिए। अगर आप रियासी और रजौरी दोनों की जो है सीजर्स की बात करें तो 5 रिमोट कंट्रोल आईडी थे, सभी को बरामद कर लिया गया है। 11 स्टिकी बॉम्ब्स थे, 6 को रिकवर कर लिया गया है। 3 यूज हो चुके हैं, 2 और रह गए, उनकी भी तलाश चल रही है। 2 बड़े आईडी, एक 2 KG का आईडी और एक 5 KG का आईडी, ये भी 2 आईडीज बरामद हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जखीरा इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा था और इनकी मंशा क्या थी।
जो इनकी पूछताछ में पता चला है, तीन किस्म के काम इनको सौंपे गए थे, तो ड्रोन के जरिए वेपन्स को रिसीव करना और कश्मीर पहुंचाना और यहाँ के काम में इस्तेमाल करना, आईडीज को मुख्तलिफ जगह पे उस टारगेट पे लगाना जिसमें कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, इस पे इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ एक और काम जो ये करते थे, कश्मीर के जो आतंकवादी है कुछ जिनको इधर लाना हो, वो काम भी इन्होंने किया है। जैसे कि पिछले बार जब तालिब हुसैन गिरफ्तार हुआ था तो उसके साथ एक कश्मीर का आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था। तीन से चार आतंकी और पीर पंचाल के इलाके में इन्होंने लाए हैं, जिनको इन्होंने रखा है वहां पे, उनके लिए सर्च टीम्स को रवाना कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इनको भी काबू कर लेंगे। जो पांच केसेस तालिब हुसैन ने माने हैं जिसमें वो मुलव्वज रहा है, उसमें से तीन आईडी ब्लास्ट जो कोटरंका के इलाके में हुए, एक चाइनीज ग्रेनेड बुद्धल में फेंका गया था, दो अनस रिवर कोटरंका में आईडी ब्लास्ट किए गए थे, एक रंजीत सिंह नाम के दराज का शख्स है जिसपे फायरिंग की गई थी और उसपे 307 का केस रजिस्टर हुआ था, और करामत शाह पे इन्होंने गोली चलाई थी और उसको मारा था, इसपे 302 का केस रजिस्टर हुआ था। तो कुल मिला के तकरीबन जम्मू प्रोविंस के पिछले साल दो साल में जितने भी केसेस हुए टेररिज्म, सभी को सॉल्व कर लिया गया है। और मैं इसके लिए अपने पूरी जम्मू प्रोविंस की टीम, जो हमारे एसएसपी डीएजी जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, देर रात एक किया है, मैं इन सबको मुबारक देना चाहता हूँ। हमारी स्पेशल ऑपरेशंस टीम को भी मुबारक देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इन सब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया। कटरा ब्लास्ट में तफ्तीश काफी आगे बढ़ गई है और बहुत जल्दी हम इस पे कुछ अच्छी खबर दे सकते हैं। सर, आज कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं आज दोनों इंसिडेंट? जम्मू में तीन और रजौरी में चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इन दोनों मॉड्यूल्स। टोटल सात गिरफ्तारियां होंगी और कुछ गिरफ्तारियां होंगी बाकी। टोटल सेवन इंक्लूडिंग। सर, जो जम्मू मॉड्यूल था, इसका क्या प्लान था आगे की? जो 15 अगस्त आने वाला है उसपे कोई धमाका चल रही है? जैसा मैंने कहा कि एक तो ड्रोन के जरिए लश्कर का जो हथियार सप्लाई का जो इन्होंने चैनल बनाया था उसको एक्टिवेट रखना और उस उन हथियार को क्लैंडेस्टाइनली पहुंचाना कश्मीर में, एक तो ये था। जिस तरह से स्टिकी बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स और वेपन्स यहाँ रखे गए थे जम्मू के शहर में अपने घर में, इनकी मंशा कुछ और भी हो सकती थी। ये लगातार पार अपने कंट्रोलर के संपर्क में थे और उनसे डायरेक्शंस लेते रहते थे। आने वाले दिनों में भी कुछ जम्मू में कुछ अटैक इनके प्लान थे। जैसा मैंने कहा कि पांच मॉड्यूल्स ब्रेक किए गए, कम से कम 20 से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो जाहिर है कि स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट जरूर किया गया है। पिछले बार मैंने आपको ये बताया था कि लश्कर से पुराने जुड़े किसी आतंकी का रिश्तेदार हो, चाहे किसी लश्कर का टेररिस्ट कोई मारा गया हो, उसकी उसके जो रिलेटिव्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की गई हो, चाहे वो लश्कर का कोई सरेंडर्ड हो उसको एक्टिवेट करने, इस तरह से ये लगातार प्रयास में लगे थे कि एक जम्मू प्रोविंस में भी अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाए। कुछ साइलेंसर मिले हैं पिस्टल के साथ, क्या कोई टारगेट किलिंग का कुछ है? जैसा मैंने बताया कि टारगेट किलिंग्स भी एक इनका वो मोटिव था और साइलेंसर का पाया जाना पिस्टल्स के साथ ये जरूर दिखाता है कि टारगेट किलिंग से एक वन ऑफ दी प्राइम मोटिव। सर,
कुछ हमले जरूर इन्होंने किए थे, जैसे ग्रेनेड ब्लास्ट है रजौरी का, वो एक टारगेट है, चाहे रंजीत जो लड़का था जिसपे फायरिंग की, चाहे रहमत शाह, तो ये सब टारगेट। सर आपने बताया कि और जो ड्रोन से जितने भी अभी तक 12-13 शॉटिंग हुई यहाँ पे, फैजल का मौजूद था, एक काम कर रहा था, ये दो लोगों के नाम क्या थे? और दूसरा सर, ये जो सारे मौजूद थे चाहे जो ड्रोन आ रहे थे, क्या ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप के उससे आ रहे थे, लश्कर से आ रहे थे या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आ रहे थे? ये सभी जो मॉड्यूल्स की बात मैंने जो अभी की है, सभी लश्कर से जुड़े मॉड्यूल्स और इसमें जी, और इसमें जो दो लोगों की फैसल पुलिस के अलावा जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसमें एक हबीब है और एक मियां सोदी है, ये दोनों कठुआ सांबा के इलाके के रहने वाले। इस पे अभी तफ्तीश शुरू हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तफ्तीश आपको जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा जिसमें चाहिए था वो बहुत ही चीज, जैसे आपने कहा कि ड्रोन जो डिलीवरिंग की थी, जब हम बात करते हैं एलसी पर 5 शॉटिंग्स वहां पे हुई, व्हिच प्लेस द शॉटिंग्स वर कंडक्टेड बाय द पाकिस्तानी हैंडलर्स एंड हियर इन जम्मू व्हिच प्लेस? तो जो रजौरी के इलाके में जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है, लंबेड़ी और कालाकोट के इलाके में हुई है, और जम्मू में जितनी भी ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है, ये जम्मू सांबा कठुआ के एक स्ट्रेच की बात करें जो आईबी से लगता है उस इलाके में। इस पे अभी कोई कमेंट नहीं किया सर। लास्ट ईयर पिछले दिनों की शॉर्टेज की पुष्टि नहीं हो पाई सर। लास्ट ईयर द आईएफ कमांड सेंटर इन सतवारी एरिया वाज आल्सो टारगेटेड यूजिंग ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सो इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज दीज मॉड्यूल्स हैव बीन एक्टिवेटेड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम? ये जो मॉड्यूल है इनमें तो ड्रोन्स के जरिए जो वेपन गिराए जाते थे उनको रिसीव करके उनको आगे बढ़ाना और उनको इस्तेमाल करना शहर में, ये सर जैसे आपने बताया कि फैजल जो है अमरनाथ जाथू पे हमला किया था हरि सिंह हाई स्कूल में, उस टाइम कुछ और भी लोग थे उसी इलाके के, इसके साथ क्या उन लोगों पे उन सब पे नजर रखी जाएगी? सर तालिम हुसैन की से कोई जानकारी निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लीडर्स को टारगेट कर रहा है? अभी ऐसी कोई लॉन्चिंग पैड की जानकारी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो टेररिस्ट कमांडर्स बाहर एक्टिव हैं, जो जम्मू साइड के रहने वाले हैं, जो बाहर सेटल हो गए हैं, उनमें कासिम है, कुबेर है, ये जो बशीर सीजान है, ये सारे जो है जम्मू संभाग के हैं जो वहाँ पास है। तो जम्मू संभाग में आतंकी कितने एक्टिव हो गए इस टाइम? आतंकी तो अभी जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 3 आतंकी एक्टिव है, बाकी जो एक्टिव थे वो पकड़े जा चुके हैं। सर आपको लगता है अभी भी ड्रोन का खतरा आगे भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार अभी ड्रोन चल रहा है, ये इस पे ये खतरा तो बना हुआ है और इस पे हमारी पूरी नजर है और हमारा पूरा प्रयास है कि इनको जो कम से कम जो रिसीविंग लाइन है उस पे हम पूरी तरह से काम करेंगे। सर आने वाले समय में जो अपना कश्मीर का नजदीक आ रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमें मॉड्यूल के भी जो है वैसे लाभ बढ़ाऊं 15 अगस्त की पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, जो भी थ्रेट्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, हम आपस में बैठ के ब्रेन स्टॉर्म करेंगे और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की जो है अप्रिय घटना ना हो। सर जिस तरह का एम्युनिशन पकड़ा और इतने लोग पकड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी साजिश लगती है कि जम्मू एरिया में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की, तो कितना उसको धक्का पहुंचा है आज जो इतनी सफलता मिली है पुलिस को? धक्का जरूर पहुंचा होगा इनको, क्योंकि जितने भी इनके जो मेन मॉड्यूल्स एक्टिव थे उनको काबू में कर लिया गया है, अभी इमीडिएटली किसी और नए मॉड्यूल के होने की संभावना नहीं है, लेकिन इनके तरफ से प्रयास हमेशा किए जाते हैं, अभी भी ये कर रहे होंगे और हम उसकी उसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। सर ये कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, कितनी संख्या में हजार गोला बंदूक का पकड़े जाना, आतंकियों का पकड़े जाना, अपना यात्रा चल रही है, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? जितनी भी इस तरह की जो ऑपरेशंस होती हैं प्रोएक्टिव, उस पे जो मॉड्यूल्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जाहिर है कि इससे कई सारे जो एक्शंस जो ये कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने जो हथियार बरामद हुआ, तकरीबन 10 ड्रोन शॉटिंग का हथियार बरामद हो चुका है,
तो जाहिर है कि इसमें अगर 10 पिस्टल हैं और 20-40 ग्रेनेड हैं तो इतने सारे हमले जरूर नाकाम करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि वहीं पर भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी का भी कहा ऐसा भी कहा पहले भी केवल धमकी आ चुकी है, क्या आतंकवादी के निशाने पर रहेंगे? तालिब हुसैन की पूछताछ में ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है।